देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के विषय में जो विवाद था उसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस विवाद से पहले मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद 95% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। आप भारत के नक्शे पे ढूंढना चाहोगे तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ कहां पे है। चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, 14 लाख लोगों की आबादी है चंडीगढ़ की, मात्र 14 लाख लोगों की। हर साल नया मेयर चुना जाता है, केंद्र शासित टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। इतने छोटे से इलेक्शन में चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई के अंदर आज देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, मगर खुशी से ज्यादा आज मुझे चिंता है। ये खुशी की बात बहुत है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात चिंता की है, परेशानी की है कि आज इस देश के हालात क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? कोई देश आजाद हो गया 1947, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, इसका क्या मतलब था भाई? सड़कें, ट्रेन, बंदरगाह, पार्लियामेंट, ये तो अंग्रेज भी बना रहे थे। कोई सड़कें और ट्रेन और बंदरगाह बनाने के लिए सरकार कोई ना चुनी जाती है, उसके लिए कोई ना देश को आजाद कराना था, वो तो अंग्रेज कर रहे थे, फैक्ट्री भी लगा रहे थे, सड़कें भी बना रहे थे, नए नए शहर बना रहे थे, ट्रेनें चला रहे थे, पार्लियामेंट हाउस बनाया उन्होंने, राष्ट्रपति भवन बनाया उन्होंने, सब कुछ तो बना रहे थे। देश आजाद इसलिए कराया ताकि लोग अपनी सरकार खुद चुन सके और उनकी चुनी हुई सरकार इस देश को चलाए। ये था आजादी का मतलब, ये था उस स्वतंत्रता का मकसद जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनसे पहले तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए कि इस देश में चुनाव हो, लोग अपनी सरकार चुने और उस सरकार से देश चले। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी, जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करेंगे? बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोही से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर
जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में, कल को याद कीजिएगा, उन्होंने कोर्ट में ये कहा, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था, कमोशन हो रहा था और लोग बार बार कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा। दूसरी बात क्या कही कोर्ट ने, पूछा, चलो कैमरे के लिए तो तुमने ये देखा, तुम ये बैलेट पेपर पे जब साइन कर रहे थे तो 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें तुमने साइन किया और बाद में कुछ निशान लगाया, वो क्या कर रहे थे? अनिल मसीह फंस गई, केंद्र सरकार फंस गई। अनिल मसीह ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला, वो तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने बोला, मिलॉर्ड, जो बैलेट डिफेस थे, यानी कि जो बैलेट ऑलरेडी खराब थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निशान विशान लगा के उस वोट को पहले ही खराब किया जा चुका था, मैं बस उसके नीचे लाइन लगा के कह रहा था कि ये डिफेसमेंट है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए, ये कल अनिल मसीह ने कहा। और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। उन बैलेट पेपर्स पे, जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8ों बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8ों के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी, उनके ऊपर सिर्फ वो निशान था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने पेन से सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाए थे। अब थोड़ी सी बात उस ऑर्डर की करना चाहता हूं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कोर्ट में डिक्टेट कराया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने छोटी बात कही है, कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है इस ऑर्डर के अंदर। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन साधारण नहीं था, कि बस इलेक्शन होना था, इलेक्शन हो गया। इस इलेक्शन को कराने के लिए भी बार बार आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाना पड़ा। अब आप ये समझिए, अगर देश के अंदर एक छोटे से मेयर इलेक्शन के लिए बार बार किसी राजनीतिक दल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो इस देश के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया कैसे बचेगी? सुनिए, सबसे पहले जनवरी के अंदर आर्टिकल 226 में हमने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर रिट लगाई और हमने कहा, जज साहब आप ऑर्डर दीजिए तो मेयर के इलेक्शन होंगे, वरना केंद्र सरकार इलेक्शन ही नहीं कराएगी, और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की डायरेक्शंस की जाएं। कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आप इलेक्शन कराइए और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। इलेक्शन मुकर्रर हुए, इलेक्शन जब मुकर्रर हुए तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए। हम लोग फिर कोर्ट गए, मिलॉर्ड इलेक्शन जानबूझ के बेईमानी के लिए
पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ी पर्दे के पीछे चल रही है। कोई पार्षद को लाने की ले जाने की कोशिशें पर्दे के पीछे चल रही हैं, इसलिए इलेक्शन कराए जाए। कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गए। हम फिर कोर्ट में गए कि ये बहानेबाजी है बीमार होना, इलेक्शन कराए जाए, 7 फरवरी की डेट दी। हम फिर कोर्ट गए कि आप डिले कर रहे हैं, केंद्र सरकार इलेक्शन को डिले कर रही है, पीछे से गड़बड़ी की संभावना है। फिर कोर्ट के आदेश पे ये इलेक्शन 30 जनवरी के मुकर्रर किए गए। कई बार कोर्ट में जाने के बाद तो 30 जनवरी को इलेक्शन हो पाए, और जब 30 जनवरी को इलेक्शन हुए सबने देखा। हमारी तरफ से राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कोई छुपाई नहीं बात, हमने हमारे मन में कोई चोरी नहीं थी, हमने ताल ठोक के कहा 35 काउंसलर्स का इलेक्शन है, 35 वोट 35 काउंसलरों के, 36वां वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, 36 वोट का इलेक्शन है, जिसको 19 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, साधारण सा गणित है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 35 में से 15 पार्षद हैं, बाकी 20 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 7 पार्षद कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी जमा कांग्रेस मतलब 13 जमा 7 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास है, 15 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 15 जमा 1 16 वोट उनके पास है। छोटा सा बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होगा उससे पूछ लीजिए 16 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, साधारण सा गणित है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इंडिया गठबंधन की पहली जीत पहले मैच में सुनिश्चित हो रही है। भारत के अंदर इंडिया गठबंधन को बधाई। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए, केंद्र सरकार परेशान हो गई, क्या करें। और फिर बेईमानी, षड्यंत्र, धोखेबाजी, डकैती, चोरी, सब कुछ उस इलेक्शन में कैमरे पे देखा गया। अनिल मसीह अपने पेन से निशान लगा लगा के उस वोट को खराब करते हुए दिख रहे हैं कैमरे में। 8 वोट खराब कर दिए, 20 में से 8 गए 12 बचे, तो 12 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर के हो गए, 16 वोट बीजेपी के। वाह भाई वाह, तुम ही सबसे समझदार हो, बाकी सब तो बेवकूफ है। और अनाउंस कर दिया कि जी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो गई, अगले दिन अखबारों में बड़ा बड़ा छप गया, वाह साहब वाह, क्या क्या जीत है, अश्वमेध का यज्ञ कराया प्रधानमंत्री जी ने और जीत लिया चंडीगढ़ भी, कितने शर्म की बात है। और आज क्या हुआ, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मगर खुशी नहीं है दोस्तों, आज खुशी नहीं है, चिंता है आम आदमी पार्टी की कि इस देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे बचेगा, इस देश के अंदर वोट की प्रक्रिया को ईमानदारी से कौन कराएगा, कैसे हो पाएगा। क्योंकि जब इस बात को हमने हाईकोर्ट ऑफ चंडीगढ़ के अंदर चैलेंज किया तो हाईकोर्ट ने इतना कुछ देखने के बाद भी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, वीडियो एविडेंस हर जगह घूम रहा है, वीडियो अवेलेबल थी हाईकोर्ट के पास, बैलेट पेपर अवेलेबल थे हाईकोर्ट के पास, उसके बावजूद भी हमें स्टे नहीं मिला दोस्तों। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले को लिया, वीडियो देखी, इतना समय दिया, तो आज सच्चाई आपके सामने आई है। कितने इलेक्शनों में कितनी बार अदालतों में जाएगी आम आदमी पार्टी, एक एक फाइल को साइन कराने आम आदमी पार्टी को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अफसर फाइल साइन नहीं करते, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी लोग हंसते हैं कि भाई ये कैसी सरकार है, ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हर चीज के लिए इनको कोर्ट आना पड़ता है, क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं बचा इस देश के अंदर। तो आज चिंता आम आदमी पार्टी की इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है।
जो भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला बेईमानी करने पे उतारू हो, चोरी और सीनाजोरी करने पे उतारू हो, उस भारतीय जनता पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत उनके नेताओं के अंदर हो तो उनको आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये क्या काम किया था, और वो आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।